बड़ा शरीफ घोड़ा है। तो महीने की अमूमन कितनी मेटिंग करता है काला कांटा? काला कांटा कर देता है 40-45 घोड़ी। महीने की 40-45 घोड़ियां मेट होने आती है थ्रू आउट द इंडिया ही आती है? बिल्कुल जी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर हम घोड़ों की दुनिया में पांच घोड़े बोलें कि पांच घोड़े सबसे फेमस और सबसे जानदार शानदार हैं तो उनमें से एक आता है M140 काला कांटा। ये घोड़ा मतलब ऐसा है कि घोड़ों की दुनिया में इसको हम अमिताभ बच्चन भी कह सकते हैं। वैसे हंसी वाली बात नहीं, काला कांटा का नाम शायद ही कोई घोड़े वाला होगा जिसने नहीं सुना होगा। और भाई परमिंदर जी बड़े रिस्पेक्टेड हमारे साथ हैं जो एक खुद एक हिस्टोरिकल मैन है, आइए उनसे बात थोड़ी करते हैं। मेरा नाम परमिंदर सिंह, पिंड बैबल कलां, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट। तो काला कांटा हम बात कर रहे हैं, मैंने तो अमिताभ बच्चन बोल रही है कि जैसे अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में है वैसा ही काला कांटा हम इंडिया में कहते हैं। इंडिया में क्या पूरी दुनिया में कहते हैं? तो एक तो रीज़न हो गया कि काला कांटा फेमस क्यों है, पहले सबसे पहले हमें ये बताइए कि काला कांटा की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है इंडिया में? ब्रीडिंग के लिए या यूज़ किया तो बच्चे काफ़ी अच्छे मार्केट में आया तो इसीलिए फेमस हुआ। अच्छा, मतलब इसका प्रोड्यूस अच्छा है अगर हम कहना चाहते हैं। हाँ, तो काला कांटा की हिस्ट्री क्या है, इसके फादर कौन है या दादाजी कौन है या इसका क्या पीछे ब्लड लाइन कैरी करता है? ये अलीशान ब्लड लाइन है जी, तूफान ब्लड लाइन बोलते हैं। तूफान दादा है इसका, अलीशान बाप है इसका, तो कवेरी मदर है। तो ये अबोर में पैदा हुआ है, पंजाब में ही जन्म है इसका। उसके बाद ये चला गया था राजस्थान रणसी, उसके बाद ये फिर पंजाब वापस आ गया। अब हमारे 3.5 साल से अपने फार्म पे आई है काला कांटा, तो अच्छी घोड़ी मेट हो रही है बाहर की, गुजरात की, राजस्थान की और पंजाब की, हर स्टेट से घोड़ियाँ आ रही है। आज भी अपने फार्म पे बात करें तो 20-25 घोड़ियाँ मेट होने के लिए खड़ी हुई है। तो महीने की अमूमन कितनी मेटिंग करता है काला कांटा? काला कांटा कर देता है 40-45 घोड़ी। महीने की 40-45 घोड़ियाँ मेट होने आती है और थ्रू आउट द इंडिया ही आती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो काला कांटा की भैया हाइट क्या रहती होगी? हाइट 65 इंच है जी। इसकी 65 हाइट है जो घोड़ों में एक अच्छी खासी अच्छी हाइट मानी जाती है। तो काला कांटा क्या पंच कल्याण है, मतलब देखने से? हाँ जी, चारे पांव और माथे माथे पर ही है। और काला कांटा का कोई मार्क जो स्पेशल बनाता है इसको? ये जैसे खुद है ऐसे ही बच्चे आ रहे हैं। सेम बच्चे इसके आते हैं? सेम बच्चे आ रहे हैं। इसका प्रोड्यूस क्या, यही तो खासियत है? यही खासियत है, इसीलिए यही फेमस है ये काला कांटा का। चलो हम प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, इसके कोई पांच बच्चे आप ऐसा बता सकते हो? वैसे काला कांटा की एज कितनी है? इसकी होगी 12-13 साल। 13 साल है तो इसके पांच बच्चे जो काफी नाम कमाया हो जिन्होंने, कोई नाम आपको याद है वैसे? हाँ जी हाँ जी, राजस्थान में जोधपुर झालामंड में तो सप्ताश है, कुबेरी घोड़ी है, काफी बच्चे है इसके राजस्थान में, क्यों ज़्यादातर ये राजस्थान में रणसी में घोड़ियों पे छोड़ा गया। अभी अपने घर पे भी है रतन कांटा। रतन कांटा जी, वो आपके पास ही है? अपने पास वो है। हम दिखाते हैं दोस्तों। हाँ, बिल्कुल, वो इसी में दिखाते हैं। भैया आपको हम माँ बाप की लेते हैं, काला कांटा के जो मदर फादर थे वो भी क्या इसी हाइट के थे? हाँ जी, अच्छी हाइट के। अलीशान कौन नहीं जानता, अलीशान को फेमस घोड़ा था वो भी तो फेमस था। कुवेरी घोड़ी है, वो भी फेमस घोड़ी थी, बिल्कुल। तो ये काला कांटा किसी आदमी से छुपी हुई बात नहीं है ये। और काला कांटा की अगर हम बात करें, इसके जैसे बच्चे थे वैसा ही कलर आता है, बिल्कुल सेम डालता है या कुछ और भी कुछ नया निकालता है ये जैसे कई कई घोड़ियाँ दूसरी कलर में आती है तो घोड़ी पे भी कभी कलर चला जाता है, ज़्यादातर ये अपने पे ही लेता है। भैया एक बात है, काला कांटा के लिए कोई भी कितने भी पैसे देने को तैयार होता है इसके बच्चों का? हाँ जी। इसके पीछे कोई रीज़न, स्पेसिफिक रीज़न? मार्केट में अच्छे बच्चे आए हैं तो कंपटीशन लड़ रहे हैं तो इसीलिए शौकिया लोग लगाते हैं ना फिर कीमत। तो वैसे भैया क्या डाइट होती है जो इसकी बदलती है? जैसे सर्दी में बाजरा, चने, चोकर सब मिला जुला के, अकेली कोई भी चीज़ नहीं देते हैं दोस्तों। जैसे जई, चने, कनका चोकर, ये सब चलता है। मतलब इसकी नॉर्मल जो बाकी, आप तो पूरे फार्म में यही डाइट चलाते होंगे? हाँ जी हाँ जी, सभी घोड़ों को यही। दोस्तों ये देख सकते हो, अब जिन्होंने ये काला कांटा का ही बच्चा है रतन कांटा जो इनके फार्म पर है। भैया रतन कांटा की कितनी होगी वैसे?
एज कितनी है इसकी? इसकी 2.5 साल हो गए। 2.5 साल जी। तो इसकी हाइट मैं देख रहा हूँ काला कांटा से ज्यादा है। हाँ जी बराबर है जी, बराबर है वैसे ही लग रहा है। हाँ जी बढ़ जाएगा वैसे काला कांटा से ये। ठीक है। और भैया वैसे तो देखने में सेम ही है, एक कॉपी जैसे होता है वैसे ही लग रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल कॉपी है, कोई मुझे ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। कालाकंटा की भैया हम बात करें, आप जब मेटिंग करवाते हो फीमेल के साथ आपका कुछ रहता है कि कई बार कस्टमर जैसे करा के चला जाता है तो कई बार उनके पास अच्छा घोड़ा पैदा होता है वो भी आप ले आते होंगे? हाँ जी ले, ऐसा हो जाता है कई बार। और कुछ आप बताना चाहते हो इसके बारे में स्पेशल कालाकंटा के? वैसे तो आप घोड़े तो आपके पास बहुत है यहाँ, इसके बारे में और क्या बताना चाहते हो? बाकी अच्छी ब्लड लाइन का घोड़ा, अच्छा घोड़ा और सब ठीक है भैया के लिए। सिंपल सी बात है, नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा बताना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि इनके पास ये सब जानते हैं, घोड़ी वाले सारे ही जानते हैं, जानते हैं वो, मेरे कहने की बात कुछ नहीं। काला कांटा के बारे में इंडिया का कोई भी बंदा, भैया इसका जो 140 मार्क है ये मारवाड़ी एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है क्या? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये देखिए इसका बेटा भी साथ में है रतन कांटा। अब रतन कांटा भी देख लीजिए बिल्कुल इसका साथ में। भैया ये आपने एक ही मतलब अपने पास रखा था बच्चा इसका? नहीं बच्चे और भी है उधर, और भी बच्चे हैं वो छोटे हैं। ठीक है, ये वीडियो में आपको दोनों दिख जाएंगे, ये देख लीजिए। मुझे तो इसकी हाइट ज़्यादा लगी है वैसे, पर हो सकता है सेम ही हो, क्या बात है। तो भैया ये बच्चे वैसे अपने मतलब स्मेल से पता लग जाता है इनको अपने बच्चे हैं? हाँ जी हाँ जी पता लग जाता है वैसे। हाँ जी ये बिल्कुल ठंडे स्वभाव का घोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चा आ जाए घोड़ी आ जाए किसी को वो मारता नहीं है, काला कांटा नहीं करेगा बिल्कुल सीधा। तो बच्चों में अग्रेशन वही आता है इसका? हाँ जी बच्चों में भी वैसे ठंडे स्वभाव रहता है, वो भी देख लो। हाँ वो भी देखिए बिल्कुल ही वो सही, नहीं तो घोड़े ऐसे रुकते नहीं है। ठीक है चलो जी, बाप जैसा वैसा ही बेटा। तो भैया इसकी मेटिंग फीस क्या है वैसे? मेटिंग फीस 75,000 है। 75,000 तो ये आपने बढ़ाई है, पापा जी ने बताया था कि हमारे पास मीटिंग ज्यादा आ रही थी, थोड़ा रश कम हो जाए घोड़ियों का तो इसीलिए। ठीक है भैया ठीक है, पर वो रश कम होने का नाम नहीं लेता है, वो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। चलो भैया ये तो मैं कहता हूँ 10 साल के अब 50 साल आपका रश कम खत्म ही ना हो आपके पास। चलो ठीक है, ये देख सकते हो इसका रिजल्ट है रतन कांटा। इसकी मीटिंग वगैरह स्टार्ट तो नहीं? हाँ जी स्टार्ट है अभी, तो उसकी 51,000 मीटिंग फीस, उसकी 51,000 है। तो रिजल्ट मेरे ख्याल से काला कांटा ही लग रहा है कॉपी। अगर आप उससे भी मीटिंग कराना चाहते हो एक बार फार्म में विजिट कीजिए इनके पास। भैया का नंबर आप बता देते हैं, भैया आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो के इनका मैं दिखाऊँगा अल्फाज घोड़ा, वो भी बड़ा अच्छा घोड़ा है। और अंकल कौन सा है आपके पास इस टाइम पर? ये रतन कांटा अल्फाज है जी, ये तीनों घोड़े अभी मीटिंग जिनकी ले सकते हैं। तो भैया आपका नंबर क्या रहेगा? 9815560037। ठीक है, थैंक यू भैया।